please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. गांधी जी के चश्मे को आप कैसे भूल सकते हैं, वो चश्मा जिससे झांकती आंखों ने हिंदुस्तान की आज़ादी का ख्वाब देखा था। वो आंखें इसी चश्मे से झांक कर नस्ल भेद के दर्द को गांधी के हृदय तक पहुंचा पाई। इसी चश्मे के छोटे भाई चश्मे ने आगे चलकर भारत के खेतिहारों के नील की खेती में अंग्रेजों द्वारा लूटते हुए खेत देखे थे। अहिंसा परमो धर्म और वैष्णव जन का मर्म भी इसी के शीशे से गांधी जी के हृदय तक पहुंच पाया था। अब वो चश्मा नीलाम हो गया है और अमूल्य चश्मे की कीमत 2.55 करोड़ रुपए थी। आज भी इसने एक वृद्ध आदमी की गरीबी को अमीरी में बदल डाला। हुआ यूँ कि ब्रिस्टल की एक नीलामी एजेंसी ने गांधी जी का चश्मा 2.55 करोड़ रुपए में नीलाम किया। इसे अमेरिका के एक कलेक्टर ने ख़रीदा है। दरअसल 3 अगस्त को ईस्ट ब्रिस्टल ऑक्शन कंपनी को एक लिफाफा मिला जिसमें एक गोल्ड प्लेटेड ऐनक रखा हुआ था। किसी ने इसे नीलाम करने के इरादे से वहाँ पर भिजवाया था। चश्मा पिछले तकरीबन 50 वर्षों से भेजने वाले की संदूक में पड़ा था और अब वो इसे मामूली मानकर नीलामी के लिए भेज चुका था। उसने भी यही कहा कि अगर इसकी कीमत ज़्यादा न हो तो आप इसे नष्ट भी कर सकते हैं। लेकिन ईस्ट ब्रिस्टल ऑक्शन कंपनी को इसके पीछे एक शानदार इतिहास नज़र आ गया। ये चश्मा गांधी जी का अमूल्य चश्मा था। चश्मे को नीलाम करने वाली कंपनी ने दावा किया है कि बापू ने 1900 के दशक में इस चश्मे को किसी एक व्यक्ति को उपहार स्वरूप दिया था। कंपनी ने इस पर शोध किया तो पता चला कि गांधी जी का ये पहला चश्मा था जिसकी संबंधित सभी डेट्स गांधी जी के समय से मैच कर रही थी। पहले उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि इसके एवज में हमें 14 लाख के करीब पैसे मिल सकते हैं, लेकिन बाद में इसे 2.55 करोड़ रुपए में नीलाम किया गया जो बेचने वाले व्यक्ति के लिए एक लॉटरी लगने जैसा था। चश्मे के मालिक का कहना है कि 1920 के दशक में उनके परिवार के एक सदस्य ने दक्षिण अफ्रीका के दौरे के दौरान गांधी जी से मुलाकात की थी। उनके पास से ये चश्मा अगली पीढ़ी के पास गया। बेचने वाले व्यक्ति अब इससे मिली जितनी भी राशि है वो अपनी बेटी के साथ शेयर करेंगे। आपको दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपको हमारा एक काम भी करना होगा, काम यह कि हमारा चैनल आपको सब्सक्राइब करना होगा ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपको मिलती रहे। अभी के लिए इतना ही, शुक्रिया।